हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर भाग्यश्री। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील विथ होम्योपैथी में। मेरा एक सवाल था कि क्या होम्योपैथी में पेन के लिए कोई मेडिसिन्स है और क्या होम्योपैथी पेन को रिलीफ कर सकती है। तो इसी सवाल पे आज मेरा वीडियो है, पेन एंड होम्योपैथी। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई भी कंप्लेंट हो तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चंस हमेशा रेडी होने चाहिए कि क्या डिटेल्स हमको चाहिए है ताकि हम पेशेंट को वो तकलीफ से रिलीफ दे पाए। तो उसके लिए जो है एक प्रोफार्मा ज़रूरी है। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोफार्मा पिछले वीडियो में दिया हुआ है एक्यूट केस टेकिंग पर, बट आज के वीडियो के लिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आखिर क्या चाहिए, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे और क्या डिटेल्स हमको चाहिए होगी। तो सबसे पहला कॉजेशंस, क्या पेशेंट को किसी एक इंसिडेंट के बाद से तकलीफ शुरू हुई है वो पूछेंगे। उसके बाद लोकेशंस, कहाँ पेन है। उसके बाद सेंसेशन, क्या पिक्यूलियर सेंसेशन है। उसके बाद मोडालिटीज़, कि क्या करने से तकलीफ़ बढ़ रही है या कम होती है। उसके बाद कॉन्कोमिटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि हम लोग पूछेंगे कि पेशेंट को पेन के साथ और कोई तकलीफ़ हो रही है, क्या कोई तकलीफ़ पेन के साथ आ रही है या पेन के साथ ही हो रही है जो पहले नहीं थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी मेडिसिन्स में, जैसे कैमोमिला पेशेंट है, पेशेंट को पेन के साथ जो है नमनेस रहता है उसके अफेक्टेड पार्ट में, तो ये उसका बहुत पिक्यूलियर फीचर है। जैसे पल्सेटिला में पेन के साथ जितना ज़्यादा पेन होगा उतना ही ज़्यादा चिलीनेस पेशेंट को फील होता है, उसका एक एक पिक्यूलियर फीचर है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं मेंटल स्टेट। पेशेंट को जब से पेन हुआ है तब से पेन के कारण पेशेंट का क्या रिएक्शन है ये जानना भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेडिसिन के अलग अलग रिएक्शन आते हैं पेन के साथ। तो अब हम आते हैं मेडिसिन के ऊपर। तो आप जानते हैं सारी मेडिसिन की पर्सनालिटीज़ अलग है, सारे मेडिसिन्स की इंडिविजुअलिटी भी अलग है। तो हम लोग कॉमन रेमेडीज से स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर से पढ़ी हुई है, कोलोसिंथ। तो कोलोसिंथ में कॉजेशन क्या मिलता है, कॉजेशन जो है उसको रहता है एंगर के बाद या फिर इंडिग्नेशन के बाद उसकी सारी तकलीफ़ शुरू होती है। अगर पेशेंट के साथ किसी ने इनजस्ट बिहेवियर किया है या उसी किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ है, उसको गुस्सा आया है, उसके बाद पेशेंट को उसकी कंप्लेंट स्टार्ट होती है। खाने पीने के बाद उसको तकलीफ स्टार्ट होगी, उसको बहुत सीवियर पेन रहेगा, शूटिंग पेन रहेगा, बहुत ही एगोनाइजिंग पेन रहेगा। ये पेन के कारण पेशेंट जो है बहुत रेस्टलेस हो जाता है, वो कंटिन्यूस ट्विस्ट टर्न करते रहता है। पेशेंट को रिलीफ मिलता है जब वो बेंड डबल करता है, जब बाय बेंडिंग डबल पेशेंट गेट्स रिलीफ। तो वो अपने पेट के पास लेगा और उससे प्रेशर अप्लाई करेगा, उससे उसको बेटर लगता है। और कोलेसिन पेशेंट की जो साइड अफेक्शंस है वो लेफ्ट साइड में होती है, तो उसको सारी लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम रहेगी, चाहे फिर वो फेस से रिलेटेड हो, एक्सट्रीमिटी से रिलेटेड हो या फिर कोई भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो, तो लेफ्ट साइड उसका ज़्यादा अफेक्ट होता है। फिर आते हैं मैकफॉस भी कॉमनली देते हैं एब्डोमिनल पेन के लिए या फिर सीआरटीका के लिए या फिर न्यूरालजिक पेन्स के लिए। इसका अफेक्शन जो होता है वो राइट साइडेड होता है। तो इसका पेन कैसा रहता है, इसको जो रहता है बहुत ही शार्प कटिंग स्टैबिंग पेन रहता है, और वो बहुत ही लाइटनिंग के जैसे बहुत फास्ट आता है, थोड़ा देर रुकता है और फिर फास्ट निकल जाता है। उसको जो है बेटर लगता है प्रेशर से, हीट से और बेंडिंग डबल से।
तो ये है मैकफॉस। उसके बाद आते हैं हम लोग एक केस के ऊपर, एक केस के बारे में बात करते हैं पहले, फिर उसमें से हम जो सिम्टम्स आएंगे उसके बाद रेमेडी के बारे में बात करेंगे। तो पहला पहले हम लोग केस जान लेते हैं। ये केस है 6 साल की बच्ची का। बच्ची घर आती है, अचानक कंप्लेन करने लगती है मम्मी को कि मम्मी मुझे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, और वो रोने लगती है कि वो रोते रोते बताती है मम्मी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा। फिर जो है पेशेंट यानी जो बच्ची बच्ची है उसको बेड के ऊपर लेके जाया जाता है। फिर वो बेड के ऊपर लेटती है तो वो मम्मी को बोलती है कि मम्मी प्लीज़ फ़ैन बंद कर दो, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। तो उसके बाद जो है उसका रोना शुरू ही रहता है, उसकी आँखों में पानी है और वो कंप्लेन ही करती रहती है मम्मी दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है। उसके बाद जो है उसकी मम्मी पानी लाने के लिए जाती है ताकि थोड़ा सा पानी पीने के लिए दे, तो वो बोलती है मम्मी आप कहीं पे मत जाओ प्लीज़ मम्मी आप मेरे पास ही बैठो, तो वो अपने मम्मी को कहीं जाने ही नहीं देती। तो ये जो इतना ही केस है, इस केस में आपको क्या सिम्टम्स मिलते हैं? तो सबसे पहला जो है पेशेंट को जो है पेन जो है सडन ले आया है, ग्रेजुअली डेवलप नहीं हुआ है तो सडन पेन। फिर उसके बाद पेशेंट ने कंप्लेन किया है कि पेन विथ चिलीनेस, तो पेन विथ चिलीनेस। फिर उसके बाद जो है पेशेंट जो है पेन विथ वीपिंग रादर वी शुड से वीपिंग विथ पेन। फिर उसके बाद जो है पेशेंट बोल रहा है कि मम्मी को कहीं जाने नहीं दे रहा है, मम्मी को अपने पास रखना चाहता है, वॉन्ट्स मदर नियर केयरिंग एंड कंसोलिंग। तो ये था केस। अगर हम ये सिम्टम्स रेपर्ट्री में डालते हैं तो हमको मिलती है मेडिसिन पल्सटीला। तो पल्सटीला ऐसी ही होती है। तो ये था पल्सटीला का ही फीचर है पूरा जो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। पेन जो है वेंडरिंग रहेंगे, कभी यहाँ पे कभी वहाँ। उसके अलावा पेन विथ चिलीनेस, शी वॉन्ट्स मदर नियर हर केयरिंग एंड कंसोलिंग, एंड पेन विथ वीपिंग। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग कॉल्चिकम के बारे में बात करते हैं। कॉल्चिकम भी बहुत अच्छी पेन के लिए मानी गई है, कैसा भी पेन हो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस कॉल्चिकम में भी पेशेंट का रिएक्शन जो रहेगा वीपिंग रहेगा, वीपिंग विथ पेन। और ये पेन जो है पेशेंट जो है कंप्लेन करता है कहीं पे भी मिलेगा, कहीं कोई भी पार्ट में विद स्वेलिंग और विदाउट स्वेलिंग। तो ये जो है कॉल्चिकम पेशेंट की स्पेशलिटी रहती है। और पेशेंट को जो है वीकनेस भी फील होता है पेन के साथ में। फिर आते हैं हम लोग नैशेस ट्रायो ऑफ पेन जो दिया गया है नैश के बुक में, और वो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो 3 मेडिसिन है ये बहुत अच्छी मेडिसिन से बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है पेन के लिए। तो पहला है एकोनाइट, दूसरा है चामोमिला और तीसरा है कॉफिया। अब हम लोग एकोनाइट के बारे में बात कर लेते हैं। एकोनाइट के जो भी पेन है या फिर जो भी कंप्लेंट है उसको सडन अटैक आता है, सडन और वॉयलेंट, इतना वॉयलेंट होता है कि आप जब देखोगे एकोनाइट पेशेंट को तो उसका वॉयलेंस, उसकी जो तकलीफ़ है उसको देख के घबरा जाओगे। तो एकोनाइट पेशेंट की जो कॉजिशन है वो तो एक तो होता है उसको ड्राई कोल्ड वेदर के कारण, या फिर उसको हॉट वेदर में भी कंप्लेंट्स होती है। फिर आते हैं उसका पेन कैसा होता है। पेन जो रहता है इतना ज़्यादा होता है पेन कि पेन ड्राइव्स हिम क्रेजी, ये लिखा हुआ है केंट ने। पेशेंट को जब पेन होता है तो वो पागल जैसा हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है पेन से कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई कुछ करो, बहुत दर्द हो रहा है। और पेशेंट के जो पेन है वो रात में ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ती है, इसके साथ उनको फियर ऑफ डेथ भी होता है। तो पेन इतने टेरिबल, इतने इंटॉलरेबल होते हैं कि बहुत ज़्यादा सफ़र करता है एकोनाइट पेशेंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चामोमिला मेडिसिन के बारे में। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है चामोमिला पर, उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें पूरे डिटेल्स दी हुई है। तो चामोमिला पेशेंट कैसा होता है, चामोमिला जो पेशेंट होता है
चामोमिला का जो पेन है, चामोमिला के पेन के साथ चामोमिला पेशेंट बहुत वायलेंट हो जाती है, बहुत ही वाइल्ड वाइल्ड बिहेवियर करता है उसको। जब वो तकलीफ़ में रहता है तब उसको कुछ नहीं सोचता कि वो किससे क्या बात कर रहा है। इवन अगर वो डॉक्टर भी हो तो उसको भी वैसे ही रूडली बिहेव करता है पेशेंट, चामोमिला का पेशेंट। उसको भी क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है इसलिए उसको थोड़ा सा भी दर्द हो बहुत ज़्यादा लगता है, उसके लिए पेन बहुत ही इंटॉलरेबल है, बिल्कुल भी नहीं बियर कर सकता। पेन जो उसके है, चाहे वो न्यूरालजियाज हो, चाहे उसके रोमैटिक पेन्स हो, या फिर चाहे उसको ईयर एक हो, या फिर उसको अगर एब्डोमिनल कोलिक हो, या फिर कोई भी टाइप का पेन हो, डिसमेनोरियाज हो, वो पेन जो है हीट से बेटर लगता है और बहुत रेसलेस हो जाता है पेन के साथ। पेन बढ़ता है, जब पेन बढ़ता है उसके साथ फीवर भी होता है उसको और थर्स्ट होती है। पेन जब होगा पेशेंट को तो वो इतना रूडली बात करेगा, अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो उसका ऐसा रिएक्शन रहेगा। जब आप उसको बोलोगे, उसको पूछोगे कि कैसा तकलीफ़ है या फिर कुछ चाहिए क्या, कुछ कुछ ला दूँ, तो बोलेगा एक तो मेरे जितना पेन हो रहा है, मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो, जाओ यहाँ से। उसका इतना रूड आंसर होता है। तो अगर आपको इस तरह से रूड किसी का बिहेवियर मिले पेन के साथ, तो आप बहुत इजीली चामोमिला प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। और चामोमिला पेशेंट को जब पेन होता है तो वो इतना पेन होता है कि वो बोलता है कि ये दर्द दर्द जो है वो सहने से अच्छा मैं मर जाऊँ, उसको इतना पेन होता है। वहीं पे एकोनाइट का जो है उसको डर लगता है, उसको लगता है कि डॉक्टर कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊँगा। वो एकोनाइट का पेशेंट होता है। उसके बाद है कॉफिया। कॉफिया बहुत वंडरफुल मेडिसिन है पेन के लिए। पेशेंट जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो उसको जो है नॉइस के कारण बहुत प्रॉब्लम होता है, नॉइस बहुत अनबियरेबल रहती है। तो उसका पिक्युलैरिटी है कि पेन जो है वो एग्रेवेट होता है नॉइस के कारण, पेन एग्रेवेट होता है मोशन के भी कारण। पेशेंट को इनटॉलरेबल पेन होता है, बिल्कुल सहन नहीं होता। पेन के कारण पेशेंट स्लीपलेस हो जाता है और पेन के साथ उसका रिएक्शन वीपिंग होता है। तो कोफिया पेशेंट में भी पेशेंट जो है पेन विथ वीपिंग ये मिलेगा। फिर हम लोग आते हैं और एक मेडिसिन, बहुत अच्छी मेडिसिन है, आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का जब पेन होता है उसको बर्निंग पेन होता है, बर्निंग और हॉट कोल्ड सेंसेशन होता है जब भी उसको पेन होता है, और बर्निंग जो है उसकी बेटर लगती है हीट से। तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा आर्सेनिक पेशेंट का, बहुत एन्जाइटी होगी, फुल ऑफ एन्जाइटी उसके फेस से आपको पता चलेगा, और जिस तरह से वो कंप्लेन करेगा, अपनी तकलीफ़ बताएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आर्सेनिक पेशेंट है। और उसकी सारी तकलीफ़ जो है बेटर रहती है वार्म ड्रिंक से और कवरिंग से। और पेशेंट जैसे आपको तकलीफ़ें बताएगा, उससे आपको पता चलेगा कि वो उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वो कितना सफ़र कर रहा है। तो ये थी कुछ मेडिसिन्स पेन से रिलेटेड। आप ज़रूर बताइएगा कि आप खुद अपने क्लिनिक में कौन सी रेमेडीज़ यूज़ करते हैं पेन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।